भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। बांग्लादेश के खिलाफ लगातार दो मैचों में जीत दर्ज कर चुकी भारतीय टीम की नजर अब तीसरे T20 मैच पर है। शनिवार को यह मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। इस दौरान सूर्य कुमार यादव की सेना का लक्ष्य बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप करना होगा। फिलहाल टीम इंडिया इस सीरीज में 2-0 से आगे है। भारत ने अपने कुछ प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देकर इस T20 सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, जिन्होंने मुख्य कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर पूरी तरह से अमल करके जीत का जज्बा दिखाया। बांग्लादेश के खिलाफ ही कुछ दिन पहले कानपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने जिस तरह से परिणाम हासिल करने के लिए आक्रामक क्रिकेट खेली, उससे टीम के नए दृष्टिकोण का पता चलता है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से सीरीज जीती थी। अब टीम 3-0 से T20 सीरीज पर भी कब्जा जमाना चाहेगी। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए टीम प्रबंधन कुछ अच्छे विकल्प तैयार करने पर भी ध्यान दे रहा है। फिर चाहे वे देश गेंदबाज मयंक यादव हों या फिर स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, गंभीर उनके प्रदर्शन पर करीबी नजर रखे हुए हैं और इन खिलाड़ियों ने भी अभी तक अपने मुख्य कोच को निराश नहीं किया है। मयंक IPL 2024 के बाद चोटिल होने के कारण अधिकतर मैचों में नहीं खेल पाए थे, लेकिन इस सीरीज में उन्होंने 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंदबाजी करके अपने कौशल का अच्छा नमूना पेश किया है। चक्रवर्ती ने ग्वालियर में पहले मैच में 3 विकेट लेकर 3 साल के बाद राष्ट्रीय टीम में सफल वापसी की है। टीम प्रबंधन ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी के प्रदर्शन पर भी करीबी नजर रखेगा, जिन्होंने दिल्ली में दूसरे T20 मैच में 34 गेंद पर 74 रन की धमाकेदार पारी खेलने के बाद उसके अलावा 2 विकेट भी लिए। इन सकारात्मक पहलुओं के बीच संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी का प्रदर्शन टीम के लिए चिंता का विषय होगा। सैमसन को पारी शुरू करने का मौका दिया गया, लेकिन केरल का यह विकेटकीपर बल्लेबाज अभी तक इसका फायदा नहीं उठा पाया है। उन्होंने पहले मैच में 29 और दूसरे मैच में 10 रन बनाए। सैमसन को अगर हैदराबाद मौका मिलता है तो उन्हें उसे हर हाल में भुनाना होगा, क्योंकि टीम प्रबंधन टीम में शामिल दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा को भी मौका दे सकता है। टीम प्रबंधन को दूसरे सलामी बल्लेबाज अभिषेक से भी बड़ी पारी की उम्मीद होगी, जो अभी तक पहले 2 मैच में 15 और 16 रन ही बना पाए हैं। इसके अलावा भारतीय टीम प्रबंधन लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और ऑलराउंडर हर्षित राणा को भी मौका देने पर विचार कर सकता है। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, उसे अभी तक बल्लेबाजों ने काफी निराश किया है। उसे अगर वर्तमान दौरे में अपनी एकमात्र जीत हासिल करनी है तो कप्तान नजमुल हुसैन, शंटो और लिटन दास जैसे सीनियर बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।